आप लोगों ने कभी पत्ता गोभी की सब्जी नहीं बनाई होगी मेरे तरीके से। अगर आप लोग एक बार पत्ता गोभी की सब्जी बनाओगे तो बार बार उसी तरीके को अपना कर पत्ता गोभी की सब्जी बनाओगे। तो यहाँ पर पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये वाटी से, ये 100 ग्राम की वाटी, उसमें से सिर्फ 50 ग्राम से भी कम तेल लिया है, क्योंकि पत्ता गोभी बनाने में हमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल करके और स्वादिष्ट पत्ता गोभी बनाएंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हमें डाल देना है राई। राई डालने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से सोते करना है। जब अच्छी तरीके से इसमें से चटक चटक आवाज़ आने लगे तो हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज। ये एक छोटी गली प्याज के लिए है, पत्ता गोभी बनाने में हमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में इतनी टेस्टी बनेगी। आधी प्याज की गली ली है, अगर पूरी एक बड़ी प्याज लेते हो तो पत्ता गोभी हमारी मीठी हो सकती है, इसलिए हमें हमेशा पत्ता गोभी बनाएंगे तो प्याज का कम ही इस्तेमाल करना है। जब इसमें से हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए प्याज का तो हमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये टेबल स्पून के हिसाब से मैंने सिर्फ 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे भी डाल के हमें अच्छे से फ्राई करना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। इसमें से जब हल्की सी खुशबू आने लगे आप लोगों को तो इसमें डाल देना है मसाले। ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डालना है और 1 चम्मच भरकर, 1 चम्मच से भी कम, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। हल्की बनी हुई है इसलिए थोड़ी कम ही लगती है। और आप लोगों को अगर तीखा और ज़्यादा चाहिए और कुछ तीखा पसंद हो तो थोड़ी सी हरी मिर्ची बारीक बारीक काट कर भी इसमें डाल सकते हो, क्योंकि ये मैं सहरी के लिए बना रही हूँ तो थोड़ी मिर्ची की बूटी कम ही यूज़ कर रही हूँ। अब डाल देना है टमाटर, और टमाटर डालते ही हमें डाल देना है इसके अंदर नमक, नमक थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि पत्ता गोभी में एक जात का मिठास भी होती है और एक जात की खारास भी होती है, तो इसमें से हम नमक अगर थोड़ी भी ज़्यादा डाल देंगे ना तो पत्ता गोभी में नमक ज़्यादा चढ़ जाता है, इसलिए हमें देखकर ही नमक डालना है और अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालना है। जैसे ही हम नमक डालेंगे तो टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे नमक की वजह से। तो बस टमाटर हमारे गल गए हैं, अभी डाल देना है पत्ता गोभी। ये 300 ग्राम पत्ता गोभी है, इसे बारीक बारीक इस तरीके से चॉप कर लेना है और चॉप करके इसे में मसालों में मिक्स कर लेना है। इतना बारीक सा पत्ता गोभी काट कर बनाएंगे ना इतनी अच्छी और स्वादिष्ट पत्ता गोभी बनकर तैयार होगी। मोटी मोटी बिल्कुल भी नहीं काटना है, जब भी आप इस तरीके से सब्जी बनाओ तो पत्ता गोभी को आप लोगों ने बारीक काट लेना है इस तरीके से। और तेल भी देखिए, बहुत कम तेल में ये पत्ता गोभी की सब्जी बनकर तैयार होती है। आप लोग किस तरीके से बनाते हो और किस तरीके से बनाकर खाना पसंद करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक बात तो इस तरीके से मेरे तरीके से पत्ता गोभी बनाकर देखना, बहुत ही स्वादिष्ट पत्ता गोभी आप लोगों की बनकर तैयार होगी। लोग इसे बन गोभी भी कहते हैं। बस तो हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर रखना है। ये पूरे मसाले को फ्राई करने के वक्त, मसाले डालने के वक्त मैंने गैस की फ्लेम को स्लो ही रखा है। हमें पत्ता गोभी की पूरी सब्जी
स्लो गैस पे ही बनानी है और इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकने देना है ताकि पत्ता गोभी अपना पानी छोड़ेगा, प्याज का थोड़ा सा पानी छूटेगा और उसी पानी के अंदर हमारी पत्ता गोभी बनकर तैयार हो जाएगी। हमें इसमें कोई अलग से पानी नहीं डालना है। बीच बीच में हिलाते भी रहना है, ऐसा नहीं कि 5 से 7 मिनट तक आप इसे खोलकर देखें ही नहीं, नहीं तो पत्ता गोभी हमारी नीचे से जल जाएगी और मसाले एक तरफा पकेंगे और एक तरफा नहीं पकेंगे। तो इसे अच्छे से इस तरीके से बीच बीच में हिलाते भी रहना है। पाँच से सात मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी पत्ता गोभी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे हमने बीच बीच में खोलकर हिलाया भी है। तो आप लोगों ने भी इस तरह पत्ता गोभी को स्लो मीडियम आंच पर पकाना है, लेकिन बीच बीच में पत्ता गोभी को हिलाना भी है। और ये देखिए हमारी पत्ता गोभी पूरी तरीके से गल भी चुकी है और पक भी चुकी है। और नमक भी देखिए मैंने कितना कम नमक यूज़ किया था, नमक एकदम बिल्कुल बराबर है। तो इस बात का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है कि नमक बिल्कुल कम डाल के पत्ता गोभी को बनाना है। अगर आपके घर में थोड़ा नमक ज़्यादा भी खाते हो तब भी थोड़ा कम ही डालना है। मैं आप लोगों को प्लेट में लेकर भी दिखाती हूँ। इस स्टेज पे आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और छोटे सा बेल आइकन का बटन आता है उसे ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब्बा खैर।